महत्वपूर्ण समाचार। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ना प्रमुख नु विवादित निवेदन सामे आव्यु छे। सोमनाथ ट्रस्टे मौलान साजिद रशीदी सामे नोंधावी फरियाद। सोमनाथ मंदिर ना भूतकाळ विषे विवादित निवेदन तेमणे कर्युं हतुं। सोमनाथ ट्रस्टे प्रभास पाटण पोलीस स्टेशन मां नोंधावी फरियाद। मौलाना साजिद रशीदीए सोमनाथ मंदिर मुद्दे विवादित निवेदन कर्युं हतुं। 23 जानुआरी मौलाना साजिद रशीदीए निवेदन कर्यु हतु। निवेदन थी महादेव ना भक्तों मां रोष जोवा मळ्यो हतो। जो के आज मामले हवे प्रभास पाटण पोलीस स्टेशन मां फरियाद नोंधाई छे। खुद सोमनाथ ट्रस्टे आ फरियाद नोंधावी छे। इसे गजनवी को लोग कहते हैं कि साहब गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहां के लोगों ने आकर उनको बताया, वहां की सारी कैफियत बताई कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहां लड़कियों को कैसे जो है लापता कर दिया जाता है। और उसके बाद में भी गजनवी ने वहां बाकायदा मुआयना कराया, पता कराया, अपने CID भेजे। जब पता चला कि हाँ ऐसा है, तब जाकर सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई की। सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया। थोड़ा समय पहला दिल्ली में एक इंटरव्यू में दिल्ली खाते मौलाना अहमद मोहम्मद साजिद एमने एक सोमनाथ मंदिर बाबते टिप्पणी करेली के सोमनाथ मंदिर में एक तो जे भूतकाळ में जे हुमलो थयेलो एने जस्टिफाई करवानो ट्राई करेलो, ए उपरांत हिंदू धर्मनी लागणी दुभाई ए बाबतना अमुक निवेदनो करेला, ए बाबतनी फरियाद अमने आजरोज मळी छे। सोमनाथ ट्रस्ट तरफथी अमे फरियाद दाखल करी दीधी छे અને એ તપાસ આગળ પ્રભાસ પાટણ PI કરી રહ્યા છે અને એમાં અમે વ્યવસ્થિત તપાસ કરવાના છીએ। ગુનો IPC 153A 295 મુજબ દાખલ થયો છે। એ વિગતો અમારી પાસે જે છે એ ઓલ ઇન્ડિયા ઇમામ એસોસિએશનના પ્રમુખ છે પોતે, અને આ પ્રકારના નિવેદન અગાઉ પણ કરી ચૂક્યા છે।